नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं टेक विद बॉय। दोस्तों अगर आप एक न्यू यूट्यूबर है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको चैनल के कस्टमाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा कि कैसे आप अपने चैनल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कस्टमाइज़ करने के बाद आपको अपना चैनल प्रोफेशनल दिखने लगेगा। तो इसके लिए बेसिक इन्फो की वीडियो तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, वो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख लेना। और बैनर और लोगो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर ही मैंने पिछली वीडियो बनाई है कि कैनवा से कैसे आप बैनर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पर विज़िट कर देख लेना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का पता टाइम पर चल सके। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए वीडियो को तो दोस्तों आपको YouTube में आना है और YouTube पर आने के बाद आपको यहाँ क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे YouTube स्टूडियो के। यहाँ आकर फ्रेंड्स आपने यहाँ कस्टमाइजेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो के बारे में फ्रेंड्स मैं एक वीडियो कंप्लीट बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेआउट के बारे में। तो लेआउट में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि यहां पर ऐड पर जाने पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी कोई वीडियो डाल सकते हो अपने चैनल के बारे में, अपना इंट्रो, अपने बारे में कुछ भी। तो कोई अगर पहली बार कोई विजिटर आपके चैनल पर आता है तो आप उसको कौन सी वीडियो दिखाना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं उसको कोई भी अपनी एक वीडियो यहां से दिखा देना चाहता हूं, जैसे कि ये थोड़ा लोड ले रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप अपना कोई वीडियो डाल सकते हैं। अगर ये ऑप्शन है फ्रेंड्स कि अगर आपके चैनल पर दूसरी बार कोई विजिटर आए तो आप उसको कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हो, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे आप दूसरी बार कोई आए तो आप उसको ये वीडियो दिखाना चाहते हो, ये वीडियो दिखाना चाहते हो, जो भी कोई आपका दिल चाहे आप वीडियो उसको दिखा सकते हो। इसके बाद यहाँ ऐड सेक्शन में आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, अपने चैनल के नीचे जैसे वीडियो किसी को दिखाई देगा तो वो आप यहां से सेट कर सकते हो। जैसे कोई आपने अपलोड किया है वो दिखाना चाहते हो, या आपके पॉपुलर अपलोड्स हैं, जो भी आप यहां पर देख रहे हैं अपनी प्लेलिस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप वो उसको यहां से दिखा सकते हैं। और यहां पर आप शॉर्ट्स भी दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया लेआउट। अब बात करते हैं ब्रांडिंग के बारे में। दोस्तों पहला ये है अपने चैनल का लोगो। आप यहाँ अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने चैनल का बैनर लगा सकते हैं, बैनर आर्ट बोलते हैं जिसको, आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप अपना बैनर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको बैनर बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको पिछली वीडियो मैंने इसी पर बनाई थी कि कैसे आप YouTube चैनल का बैनर बना सकते हैं, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने रिमूव कर दिया, ये भी आपको रिमूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको अपलोड पर जाना है। अपलोड पर जाने के बाद आपको अपना बैनर जो आपने बनाया है कैनवा से, वो बैनर आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए ये सभी डिवाइसेस पर कुछ ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप पर कुछ ऐसा दिखेगा,
टीवी पर कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको अपलोड कर देना है यहाँ डन करके। तो ये आपका बैनर अपलोड हो गया। अब बारी आती है आपके ब्रांडिंग वाटरमार्क की। आपने दोस्तों देखा होगा कि किसी का वीडियो प्ले हो रहा होता है तो नीचे उसके चैनल का नाम आता है या सब्सक्राइब का लोगो आता है, तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आज बनाया है, मैंने कोई खास नहीं बनाया, आप अगर मुझसे बढ़िया भी बना सकते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ आप डन करके आप पब्लिश कर दीजिए, फिर आपके चैनल पर आपका बैनर, आपका लोगो और लेआउट पूरी तरह से दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाली वीडियो आप कमेंट में बता देना, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो देखिए मेरा ये बैनर ऐड हो चुका है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।